नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर आप सिंगल फेस या थ्री फेस मोटर का यूज़ करते हैं और जैसे ही मोटर को ऑन करते हो तो आपकी मोटर का जो फ्यूज़ है वो उड़ जाता है। तो ये इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, जैसे आप मोटर को ऑन करने जाते हो और आपका तुरंत फ्यूज़ उड़ जाता है, तो ये एक पहला रीज़न हुआ। और जो दूसरा रीज़न है, जैसे आप मोटर को ऑन करते हो और उसके 15 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे बाद आपका जो फ्यूज़ है वो उड़ जाता है। तो ये दोनों टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, इसका क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए इस वीडियो हम जानेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम मोटर को ऑन करते हैं और आपका फ्यूज़ तुरंत से उड़ जाता है, तो उसके जो रीज़न है वो पॉइंट की हम बात करेंगे। तो जो पहला मेन रीज़न है कि जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है वो शॉर्ट हो जाती है, यानी आप जैसे मोटर को ऑन करते हो फ्यूज़ उड़ जाता है तो स्टेटर की वाइंडिंग शॉर्ट होगी, उसकी वजह से ये होता है। तो उसके लिए फिर आपको मेगर का यूज़ करना पड़ेगा। मेगर की हेल्प से आप जो वाइंडिंग आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा वाइंडिंग शॉर्ट है या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर शॉर्ट हो चुकी है या जल गई होगी तो फिर आपको उसको रिप्लेस करानी पड़ेगी, रिवाइंडिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। ये किसका सॉल्यूशन, मगर जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं फ्यूज़ तुरंत उड़ने के, ये यही होता है कि स्टेटर की वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि फ्यूज़ रेटिंग, अगर आपने जो फ्यूज़ 5 HP की आपकी मोटर है, ठीक है, और 15 एम्पीयर तक की उसकी कैपेसिटी रहेगी, तो आप अगर उसके अंदर 10 एम्पीयर का फ्यूज़ रेटिंग लगाओ, HSC फ्यूज़ 10 एम्पीयर के या 12 एम्पीयर के लगाएंगे, तो क्या होगा, जैसे आप मोटर को ऑन करेंगे तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। यानी रेटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको सेम रेटिंग जो आपकी मोटर है उसके रेटिंग के हिसाब से फ्यूज़ रेटिंग भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि रॉन्ग कनेक्शन, रॉन्ग कनेक्शन यानी कि अगर आपने दो फेस को उलट सुलट कर दिया या फेस न्यूट्रल के साथ कर दिया, यानी वायरिंग गलत कर दिया, तो उसमें भी आपका फ्यूज़ तुरंत से उड़ जाएगा। तो आपको जब भी इस तरह से होता है तो आप वायरिंग भी चेक कर दीजिए एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपका फॉल्ट है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये तीन पॉइंट की वजह से जैसे आप मोटर को ऑन करते हैं तो तुरंत से आपका फ्यूज़ उड़ जाता है, ये मेन तीन पॉइंट है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो और जो दूसरा पॉइंट की हमने रीज़न की बात की कि जैसे मोटर को ऑन करते हैं 15 मिनट या 1 घंटे या 3 घंटे के बाद आपकी मोटर का फ्यूज़ उड़ जाता है, तो उसमें जो हम पहला जो रीज़न है हाई लोड, लोड यानी अगर लोड बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से भी आपकी जो मोटर का फ्यूज़ है वो उड़ जाएगा। तो फिर आपको आपके मोटर के हिसाब से लोड देखना पड़ेगा कितना लोड, अगर आपकी 5 HP की मोटर है तो 15 एम्पीयर तक का लोड वो आराम से ले लेगी, उससे ज़्यादा लोड बढ़ेगा 17, 20, 25 एम्पीयर तो आराम से फिर फ्यूज़ उड़ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको उसी हिसाब से दूसरी मोटर लेनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर लोड कम करना पड़ेगा, यही इसका सॉल्यूशन है, लोड बढ़ता रहेगा तो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है लो वोल्टेज, अगर कम वोल्टेज मिलेगा, लो वोल्टेज मिलेगा तो उसकी वजह से भी आपकी मोटर का फ्यूज़ उड़ जाएगा, तो आपको वोल्टेज भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लो वोल्टेज रहता होगा तो उसकी वजह से भी मोटर क्या ज़्यादा करंट खींचेगी, तो उसकी वजह से भी आपका फ्यूज़ उड़ जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, वोल्टेज चेक कर लीजिए, कम वोल्टेज आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है जो भी है, तो वो चेक कर लीजिए, तो आपका ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर जो हमारा तीसरा पॉइंट है लूज़ कनेक्शन, अगर आपका कनेक्शन लूज़ होगा वायरिंग कहीं पे, जो आपका नट बोल होगा वहाँ पे आपने लूज़ कनेक्शन किया मोटर के अंदर, तो स्पार्क होता रहेगा, उसकी वजह से भी करंट इंक्रीज़ होगा और आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो कहीं पे कनेक्शन लूज़ नहीं है वो चेक कर लीजिए, सही तरह से ठीक तरह से टाइट कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जो और हमारा चौथा पॉइंट है अर्थ फॉल, अर्थ फॉल यानी कि आपकी जो मोटर उसकी बॉडी शॉर्ट हो गई होगी, ठीक है, बॉडी के साथ वाइंडिंग जो भी आपकी मोटर है उसकी बॉडी के साथ शॉर्ट होगा यानी अर्थ फॉल होगा, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, आपका फ्यूज़ उड़ जाता है। तो आप मेगर की हेल्प से आपकी मोटर बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं हो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बॉडी के साथ शॉर्ट है तो फिर आप उसको खोल के चेक कर लीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्यूशन करके तो आराम से वो हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है मैकेनिकल फेलियर, यानी आपने जो मोटर का इंस्टॉलेशन किया होता होगा उसमें जो उसकी अलाइनमेंट होगी वो ठीक तरह से नहीं की होगी अलाइनमेंट, तो उसकी वजह से भी थोड़े 4 घंटे 6 घंटे 1 दिन के बाद भी आपका फ्यूज़ उड़ जाता है। तो ये बहुत ही कम होता है, मगर इसका भी एक रीज़न है कि मैकेनिकल फेलियर यानी जो अलाइनमेंट आपने की है मैकेनिकल वो भी आपने ठीक तरह से नहीं की, जो बैरिंग होगी साफ करके अंदर बैरिंग ठीक से लगी नहीं होगी, तो भी आपकी मोटर थोड़े टाइम के बाद या 1-2 दिन के बाद फ्यूज़ उड़ जाता है। तो ये भी एक इसका रीज़न है। तो इसका सॉल्यूशन ये, आपको एलिमेंट ठीक तरह से करनी होगी, इंस्टॉलेशन ठीक तरह से करना होगा, तो आप इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे चॉइस पॉइंट हमने डिस्कस किए। अगर इसके अलावा भी आपको पता है कि कौन से रीज़न से मोटर का फ्यूज़ उड़ जाता है इसके अलावा, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, तो जो हम और लोगों के साथ भी शेयर कर सके। दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक वाले बटन को करन लगा दो, सब्सक्राइब बटन को शॉर्ट सर्किट के तौर में चैनल को पावर दे दो, जिससे कि मेरी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।